गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम एक्स यू। मैं हूं आयुषी और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं मिंत्रा की शॉर्ट कुर्तीज रिव्यू करने वाली हूं। सो गाइस आज की जो कुर्ती है दोज आर ऑल अंडर 500। एक्चुअली मैंने चार ऑर्डर करी थी बट व्हाट हैपेंड वाज इट वेंट टू माय होम एड्रेस बट यू नो आई एम ट्रैवलिंग दीज डेज सो आई एम इन डिफरेंट प्लेस एवरीवेयर सो दैट इज लाइक द काइंड ऑफ इशू। सो यू नो वो होम एड्रेस पे पहुंच गई थी एंड आई हैड टू ऑर्डर इट अगेन। सो व्हाट हैपेंड वाज कि एक कुर्ती का प्राइस बढ़ चुका है तो दैट आई पेड फॉर लाइक 610 but I do not regret buying it again because it's just so damn beautiful. So I have 3 kurtis today not 4. So guys before we start jo log naye hain main unko bata dun ki main Ayushi hu aur is channel pe main bahut sare videos banati rehti hu related to ethnic wear, western wear, cosmetics and jewelry. To agar aapko is type ka content acha lagta hai do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss a video. तो चलिए गाइस आज के हमारा हॉल स्टार्ट करते हैं एंड आई एम गिविंग यू माय वर्ड यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट सो वॉच इट टिल द एंड। ओके गाइस सो दिस इज द फर्स्ट कुर्ती दैट आई हैव विद मी। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रिंट है। कैन यू सी कि इसका फॉल, इसका जो घेर दिया हुआ है, दिस इज लुकिंग सो गुड। आप इसे क्लोजली देख सकते हो कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड द फैब्रिक इज कॉटन। ओके कॉटन फैब्रिक में है एंड आप इसके नीचे भी देख सकते हो कि कुछ इस तरह से यू नो ऐसे बॉल्स लगे हुए। दीज आर लुकिंग रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिस इज लाइक द फ्रंट साइड एंड आप देख सकते हो कि इसका नेक कुछ इस तरह से दिया है एंड देयर इज दिस कट हियर एंड डोरी इज ऑल्सो गिवन एंड बैक साइड से कुछ इस तरह से दिया है। सो स्लीव्स अराउंड इधर तक की है तो ये चीज अच्छी लगी एंड बहुत ज्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक है। मैंने ये कुर्तीज इसलिए बुलाई बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप इन माइंड यू नो समर्स है तो उसके हिसाब से यू नो ब्रीदेबल होना चाहिए, रियली कंफर्टेबल। सो यू नो आई जस्ट लव दिस वन, बहुत ज्यादा अच्छा है एंड द प्राइस दैट आई पेड फॉर इज लाइक 450। सो ये 450 की है, अमेजिंग। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस और इसका फैब्रिक इज टू गुड गाइस, टू गुड। ओके सो आफ्टर वॉश वाली चीजें वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो काफी अच्छा है एंड अगर इसका एमआरपी देखें सो इट्स लाइक 1099। सो अभी सेल में इट्स अराउंड फॉर अ रियली गुड प्राइस, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन। एंड इसका जो साइज अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम एक्स्ट्रा स्मॉल टू 3XL। सो साइज रेंज इज ऑल्सो रियली गुड। यू नो आई रियली लव अबाउट ब्रांडेड क्लोथ्स इज साइज रेंज रहता है, यू नो साइज रेंज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ रियली गुड साइज एंड दिस इज इन साइज XL विच इज लाइक काइंड ऑफ लूज फॉर मी, काइंड ऑफ, ओके नॉट वेरी लूज, काइंड ऑफ लूज। सो आई वुड हैव रादर ऑर्डर्ड L, ओके सो कीप दैट इन माइंड, ऑर्डर योर ओन साइज। Moving on to the next one. Okay guys, so this is the second one. I actually did not order this design. I ordered a different design and I think that was in cotton again. तो मुझे ना ये receive हुआ है and मैं I was thinking that I ordered something different and I got something different. So I was like, okay maybe I might have not seen it properly. Ethnic side पे definitely नहीं हुआ है ये because I actually ordered all these clothes keeping in mind कि हम लोग थोड़ा सा ethnic side पे थोड़ी modern Indo Western कुर्ती इसका review बनाऊंगी। सो बट एनी वेज दिस इज लाइक थोड़ा शर्ट स्टाइल पे हो गया है बट एनी वेज इट्स गुड। आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरह से इसका यू नो घेर दिया हुआ है। आई विल ऑल्सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक दे दूंगी। आई डोंट नो अबाउट कि इस प्रोडक्ट का लिंक मुझे नहीं पता बट आई विल गिव यू द लिंक टू द प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था। सो दिस इज अबाउट दिस, पीछे से आप देख सकते हो दिस इज अगेन इन साइज XL। सो वॉट आई ऑर्डर वॉज लाइक फ्रॉम एक्स्ट्रा स्मॉल, उसका जो साइज रेंज है दैट इज फ्रॉम एक्स्ट्रा स्मॉल टू डबल XL। ओके सो दिस इज XL and this is like khadi fabric. Okay so fabric is good but I you know personally think ki this is not really appropriate for summer, at least for me, because is type ka fabric is not really breathable. I ordered cotton but again this is khadi and for some people it's comfortable so you can really see that. So is tarah ki aap sleeves di hai, again kuch yahan tak ka iska sleeve aane wala hai so you can check this in the try on. So this is about this one, hai to kafi pretty, I would not say that it's looking bad. So yeah this is it but ha switcheroo ho gaya hai, I wanted something else and I got something else. So anyways guys this is the kurti that I had my eyes on for so long. Okay mujhe ye kurti bahut zyada pasand hai, such a beautiful beautiful
पीस डिजाइनर लुक माई गॉड दिस इज फ्रॉम लिबास ओके एंड इसका जो MRP है दैट इज फॉर 1300 एंड आई गॉट इट फॉर 610 एज आई टोल्ड यू मैं जब मैंने ना इसे गलती से अपने होम एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया था एंड एट दैट टाइम आई गेस इट वॉज फॉर 410 और इफ आई एम रॉन्ग बट 500 के नीचे था ओके सो दैट वॉज द थिंग बट आई डोंट रियली रिग्रेट बाइंग दिस बिकॉज इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड यू नो आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छी है एंड प्रिंट गाइज प्रिंट देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट है एंड आई शो यू द नेक एज वेल वी नेक दिया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है ओके दिस इज अगेन इन साइज XL सो अगेन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि दैट इट्स अवेलेबल फ्रॉम साइज एक्स्ट्रा स्मॉल टू ट्रिपल XL सो दिस इज लाइक अ रियली रियली ब्यूटिफुल पीस एंड आई लेट यू नो कि ये वॉश करने के बाद कैसा रहेगा बट मे बी इफ आई डू दैट आई जस्ट मैंशन इट बट लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट सो कुछ इस तरह की स्लीव्स है आई लव द स्लीव्स आई लव दिस ओवरऑल लुक एंड यू कैन ऑल्सो कैरी दिस वन आउट विद द धोती पैंट इट्स गोइंग टू लुक स्टनिंग ओके सो दिस इज अबाउट दिस वन सो गाइज आई होप आज की आपको ये शॉर्ट कुर्तीज अच्छी लगी हो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ग्लैमेक्स यू यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अगर आप कोई भी क्वेरी आती है यू कैन जस्ट DM मी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दैट हाई आई सॉ योर वीडियो एंड आई नीड हेल्प सो दैट यू नो मुझे पता रहे कि दैट यू नीड हेल्प एनीवेज गाइज आज के लिए इतना ही अंटिल देन बाय बाय हैव अ रियली वेरी नाइस डे